गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम रजनी किंथला फ्रॉम बालिका आदर्श विद्या मंदिर। टुडे वी विल रीड द फर्स्ट पोयम ऑफ 10th क्लास, रिस्क। रिस्क इज रिटन बाय जेनेट रेन। इट इज ए मोटिवेशनल पोयम। इन दिस पोयम द पोएट सेज अस दैट टू टेक रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। इफ यू वॉन्ट टू अचीव सक्सेस इन अवर लाइफ देन वी हैव टू टेक रिस्क। टू एक्सप्लेन दिस The poet has given us some example. Let's read. First, we will translate in Hindi this poem, and after that, I will tell you how we can explain this poem. Let's read. To laugh is to risk appearing the fool. To weep is to risk appearing sentimental. To reach out for another is to risk involvement. To expose feeling is to risk exposing your true self. To place ideas and dreams before a crowd is to risk being called name. To love is to risk not being loved in return. To live is to risk to dying. To hope is to risk despair. To try is to risk fail. To laugh is to risk appearing to fool. अगर हम हंसते हैं तो हम मूर्ख प्रतीत होते हैं। Appearing मतलब होता है दिखाई देना, प्रकट होना। If to laugh is to risk appearing the fool. अगर हम हंसते हैं तो हम मूर्ख दिखाई देते हैं। To weep is to risk appearing sentimental. और अगर हम रोते हैं तो हम sentimental दिखाई देते हैं। Sentimental का word mean होता है अनडिजायरेबल इमोशन, यानी हम बात बात पे क्या करते हैं, अपने इमोशंस को रोक नहीं पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते, और दैट्स मीन वी अपीयरिंग सेंटिमेंटल पर्सन। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। अगर हम किसी के साथ बैठते हैं, किसी के साथ जाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम उनके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं, हम उनके काम में शामिल हो रहे हैं। टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। और अगर हम हमारी फीलिंग्स को एक्सपोज करते हैं, किसी के सामने दिखाते हैं, एक्सपोज करते हैं, दैट्स मीन वहां पे रिस्क रहता है कि हम क्या करें, हम अपने आप को दूसरों के सामने एक्सपोज कर रहे हैं। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क। अब अगर हमें अपने आइडियाज और ड्रीम को भीड़ के सामने रखते हैं, क्राउड मीन्स भीड़, अगर हम अपने आइडियाज को, अपने ड्रीम्स को भीड़ के सामने रखते हैं, बीइंग कॉल्ड नेम, तो वहां पे भी एक रिस्क रहता है कि लोग हमें नेक कहते हैं। नेक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है। तो हम अगर अपने आइडियाज को, अपने ड्रीम्स को लोगों के सामने दिखाते हैं, दैट्स मीन वी आर नेक। मतलब कि हम कैसे हैं, हम विदाउट एक्सपीरियंस है एंड वी हैव नो एक्सपीरियंस अबाउट आवर लाइफ। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो वहां पे भी एक रिस्क रहता है, वहां पे रिस्क रहता है कि हमें वापस से प्रेम प्राप्त होगा या नहीं होगा। अर्थात अगर किसी से प्रेम करते हैं, लव करते हैं, तो वहां पे रिस्क रहता है रिटर्न में प्रेम ना पाने का। टू लिव इज टू रिस्क टू डाई। और अगर हम जीते हैं तो जीने में भी रिस्क रहता है, वो होता है मरने का। लिव इज टू रिस्क टू डाई, जीने में भी मरने का रिस्क होता है। टू होप इज रिस्क डिस्पेयर, आशा में भी निराशा का रिस्क रहता है। हम किसी चीज की आशा करते हैं, होप करते हैं दैट वी विल अचीव दिस थिंग, और उसके अंदर रिस्क रहता है इफ यू विल नॉट अचीव दैट, मतलब निराशा हो गई वहां पे। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, और अगर हम प्रयास करते हैं तो वहां पे भी असफलता का, असफल होने का रिस्क रहता है। लेट्स अब हम इसके देखते हैं वर्ड में रिस्क का मतलब होता है इस प्रकार की सिचुएशन या सिचुएशन That could be dangerous. ऐसी सिचुएशन जिसमें थोड़ा सा डेंजर हो सकता है, थोड़ा कुछ खतरा हो सकता है। सेंटिमेंटल ए पर्सन वो होता है जो अपने आप को क्या करता है, ए पर्सन अनडिजायरेबली इमोशनल, जो अनडिजायरेबली इमोशनल होता है उसको सेंटिमेंटल कहते हैं। इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है टेक पार्ट, एक्सपोज मीन्स होता है ब्रिंग टू लाइट, नेम मीन्स होता है विदाउट एक्सपीरियंस। लेट्स अभी हमने जैसे 9th क्लास में एक्सप्लेनेशन किया था, सबसे पहले हम लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट है, रेफरेंस है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। एक बार मैं आपको इसकी इंग्लिश टू इंग्लिश कर रही हूं, पहले आपको इसका अर्थ समझाया, अब आप इसको ध्यान से सुनेंगे। दिस पोएम इज
written by Janet Rand. This is a motivational poem. And in this poem, poet want to inspire us to take risk in life. Because if you want to success in our life, then we have to take risk. Because without taking risk, we can't anything achieve in our life. If you want to success in our life, then we have to take risk. He had given us some examples. To laugh is to risk appearing the fool. If we laugh, then people can think about us that we are fool because we are laughing too much. To weep is to risk appearing sentimental. If we weep, then people can think about us that we are so sentimental. So anytime we are weeping. To reach out for another is to risk involvement. If we help other person, we reach out to other person, we interfere other person in their work, then people can say us that we are so involvemental and we always knowing our nose in others' work. To expose feeling is to risk exposing your true self. If we expose our feelings, then people can say that we are so exposing person and we explore our true self. To place ideas and dreams before a crowd is to risk being called name. And if we place our ideas and our dreams before crowd, before other person, then they could say that we are so naive person and we have not any experience about our life. So we always our ideas and our dreams exposing themselves. So there is a risk that we can call name. To love is to risk not being loved in return. If we love to other person, then it can be happen that other person not love us, then there is a risk. To live is risk to dying. If we live, there is also a risk of dying. Because every person who born in this world, he will be die one day. It is decided. To hope is risk disappear. If we hope about something, there is a risk to disappear. To try is to risk failure. And if you try to something, then could be failure, but we should not failure, and we should take risk in our life to be a success person. Because without taking risk, we can't do anything. And a person who don't risk, he can't success in her or his life. So if you want to take achievement in our life, if we want to achieve our goal in our life, then we have to take some risk in our life. We should not avoid risk, because with taking risk, we can be a perfect person in our life. Thank you. अब हम इसका explanation करेंगे. आगे के जो paragraph है, दो two stanzas है, वो मैं आपको next video में बताऊंगी. Thank you.